एवरीवन वेलकम बैक हाय एवरीवन वेलकम बैक टू कभी नहीं बैठेंगे हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सुनते नहीं हो मेरी बात ओके सो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी किसके यहाँ जा रहे हैं नानी के यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं अपने नाना नानी के यहाँ मिलने उनसे सब लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आगे ओरछा वगैरह घूमने सो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगेगा कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो हम पूरी फैमिली मतलब पूरा हमारा मायका हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए सो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आई होप आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हियर शी इज मिस श्रद्धा हाय हाय और ये रहे राम भैया राम हाय गाइस बोल Light me up with a bright smile on now Take me in the dark, so won't get lost now To the moonlight, I see you, Maria right now You look into my eyes and fell a feeling Then nothing got it feel like a sweet night Now I'm waiting for you, but don't hurry Let me if you want tonight Little more shining star to the sky looking high All the people you're the one and only you know Want to be with you, call my name like ooh Somebody else and then it's you मैं आके बैठ गए हैं बाकी सब लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं मैं और राम कार में बैठे हुए हैं इसको दिक्कत होने लगी थी बाहर क्या हो रहा था आपको उल्टी हो रही थी मेरी ज्यादा कुछ खा नहीं पाई क्योंकि इसको दिक्कत होने लगी तो अभी हम लोग जस्ट कार में बैठे हुए हैं सब लोग वहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड वाले हैं नानी के घर पे पहुँच के मे बी मैं ब्लॉग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो पूरा तरह से डिस्चार्ज है और गांव में लाइट का अगर आएगा चार्ज हो जाएगा तब तक तो मैं कर लूँगी ब्लॉगिंग अदरवाइज जो हम लोगों को आगे जाना है ओरछा वहाँ की मैं ब्लॉगिंग यू नो दिखा दूँगी आप लोगों को हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे घंटे दो घंटे ही रुकेंगे नानी के घर पर नाना से मिलकर और फिर उसके बाद सब लोग निकलेंगे आगे की तरफ तो या एंड हम लोग क्यों जा रहे हैं ओरछा ओरछा में एक्चुअली एक मान्यता पड़ी थी हम सब की बहुत पुरानी मान्यता पड़ी हुई थी तो वो पूरा करने हम लोग जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अगर वो नहीं होती तो उसके ना होने की वजह से आगे के काम नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग पहले वो ओरछा का जो मान्यता है राम की भी है मम्मी की भी है मतलब मेरी भी है मम्मी की भी है पापा की भी है तो तीनों की मान्यता एक साथ हम लोग पूरा करने के लिए हमने कहा ये बेस्ट टाइम है फिर इसके बाद अगर बिजी हो गए तो सब लोग फिर टाइम नहीं मिलेगा पापा के भी स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे तो चलिए अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा यू नो कर लें बहुत ज्यादा गर्मी इसलिए मैंने चिप छोड़ने किया है आगे दोनों इनकी इतनी लड़ाई होती है दोनों की नो नहीं क्यों लड़ रहे हो भाई दोनों यार चिप्स पूरा खा गया है देखो दो पैकेट थे यार क्यों भाई गंदी बात करते हो राम भैया तुम वैसे पहले खाने का था मैंने खरीद लिया तो खाएगा देख गंदी बात राम भैया एक दे, एक एक देखो देखो अरे भगवान इतनी लड़ाई क्यों करते हो तुम और अभी एक साथ इसने 6-7 उठाए हैं पूरा उसमें गिनती के 6-7 रहते हैं अच्छा अभी उठा लिया झुरकन में ही ली बचा के रखे है अच्छा
body feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell off in me. Then nothing got a dream like a scene. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि जितना भी मैंने आपको दिखाया सारा सब कुछ जर्नी ही है, कहीं का प्रॉपर ऐसे व्लॉग नहीं दिखाया। दरअसल हुआ क्या कि मैं जब नानी के घर गई थी वहाँ पे ना बिजली नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल में ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाई एंड इतना ज़्यादा गर्मी था कि उसकी वजह से व्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी हम लोग ओरछा के ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लंच करने के लिए गए हुए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी की एक मान्यता थी, वो मान्यता पूरी करने के लिए और हमारा ये भी था कि एक फैमिली ट्रिप हो जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोग कहीं भी साथ में घूमने नहीं गए थे। तो बस इसी फैमिली ट्रिप के लिए ही हम लोग निकले थे एंड इसमें नाना नानी को भी देख ले, क्योंकि नाना की मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और ओरछा का भी सारा काम हो गया। ओरछा अगर आप नहीं जानते, झांसी के पास ही पड़ता है, बट उसका मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और राम के साथ बच्चे के साथ आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है। वो बार बार उसको गर्मी से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो वॉमिटिंग वगैरह उसको हो रही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है गाइज, जो कि मैं आई थिंक इस व्लॉग के बाद आपके साथ में शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा एंड काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको तो पता ही है, बट आप लोगों को अभी मैंने ये बात शेयर आपके साथ नहीं की है, तो बहुत जल्द मैं आपके साथ में ये बात शेयर कर दूंगी। सो या आज हमारे लंच में ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में ना मज़ा ही कुछ और आता है। क्या हो जाता है ना कि व्लॉगिंग मैं ही करती हूँ, सिस्टर्स से जो थोड़ी मोड़ी करा ली मोस्टली मैं ही व्लॉगिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा घूमा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, पर व्लॉगिंग बहुत कम कर पाई हूँ मैं। चलिए अब गाड़ी मिलते हैं, आप लोग गाड़ी में मस्ती करते हैं। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट लाइव सेशन में। बहुत जल्द बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज करनी है आप लोगों के साथ में। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। बाय गाइस।